अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फरहान ट्यूटोरियल्स। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में ग्राफिक सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करके अपने पिक्चर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाएं, ठीक है। प्ले स्टोर पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से आपको सर्च करना है एडोब फोटोशॉप, ठीक है। एडोब फोटोशॉप आप सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे आपको देख रहा होगा एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस डाउनलोडिंग को मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और वीडियो भी बड़ी लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो एडोब फोटोशॉप है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस के बाद आपको यहाँ पे साइन अप का कह रहे हैं या फिर मे बी लेटर। अगर आपको साइन अप करना है तो साइन अप पे क्लिक करके फॉर्म वगैरह फिल करके साइन अप कर दें। अगर आपको बाद में साइन अप करना है तो मे बी लेटर पे क्लिक कर दें, ठीक है। मे बी लेटर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं गैलरी में से कोई पिक्चर उठाता हूँ। अलो कर दिया मैंने इसको। जैसे कि ये पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर को मैंने यहाँ से देखें, आप देख सकते हैं नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, नॉर्मल, वाइब्रेंट, ऑटम, स्प्रिंग, समर, ठीक है। ये सब इसके इफेक्ट्स हैं। अगर मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल का ऑप्शन आ रहा है, वाइब्रेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो आपकी जो पिक्चर पे वो आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ऑटम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर थोड़ी वाइट हो गई है। स्प्रिंग में थोड़ा सा साइड्स पे आपको देख सकते हैं कि वाइट इफेक्ट्स आए हुए हैं। समर में आप जाते हैं तो थोड़ी इसकी टैन, ये इसका जो कलर है वो टैन हो गया, टैन मतलब कि थोड़ा सांवला जैसा, ठीक है। बाकी विंटर में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट की तरह इसके कलर हो गए हैं। और बाकी इसके ऑप्शन है इन्वर्ट, अगर आपको कलर उल्टे करने हैं, जैसे कि अगर ब्लैक है तो उसका उल्टा कलर हो जाएगा वाइट, तो ये हो गया ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। यू नो पेस्टल एज ओई एक्वेटिक, ये सब इसके फीचर्स हैं, मिस्टी डेपल। बाकी अगर आपको क्रॉपिंग करनी है पिक्चर की, आप यहाँ पे क्रॉपिंग पे क्लिक करके अपने फिंगर्स को टच करके यहाँ से क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है क्रॉप हो चुका है, क्रॉप हो रहा है, ठीक है। जहाँ तक आप ले आ सकते हैं इसको क्रॉप पे ले आए, ठीक है। क्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है आपको करेक्शंस, क्या आपकी पिक्चर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, रिड्यूस ल्यूमिनेशन होनी चाहिए, रिड्यूस कलर होना चाहिए, जैसे रेड आई कलर होता है, डीफॉग होना चाहिए, एक्सपोजर आना चाहिए पिक्चर के अंदर। ये देखें एक्सपोजर आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। कंट्रास्ट लाना है तो ये अप डाउन करके आप कंट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं। हाईलाइट करना है किसी को, ये हो गया हाईलाइट। ये देखें आपको फील हो रहा होगा कि हाईलाइट हो रहा है वाकई। शेडो लाना है, यहाँ पे आपके शेडो ला सकते हैं। अगर आपको आपके पिक्चर्स की सेटिंग्स को अंडू करना है तो यहाँ पे आप ये वाला ऊपर आपको आइकन दिख रहा होगा अंडू का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अंडू हो जाएगा। अंडू करते जाएँ पूरी पिक्चर जो भी अंडू हो जाएगी, ठीक है। अंडू हो गई, अब यहाँ से वाइट मेरे को करना है, वाइट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये देखिए परसेंटेज, जितना परसेंटेज बढ़ाएंगे उतनी ही वाइट होती जाएगी, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होती जाएगी, वाइट करेंगे तो वाइट होती जाएगी। बाकी ब्लैक्स, बाकी आप देख सकते हैं रेड आई डिटेक्शन।
अगर आपकी पिक्चर्स में फ्लैशिंग की वजह से रेड आई हो गई है तो आप उस रेड आई को किस तरह ठीक कर सकते हैं वो यहाँ पे, ठीक है। अगर पेट है, अगर आपके पास कोई जानवर वगैरह उसकी पिक्चर है तो पेट पे क्लिक कर दें, वरना फिर ट्यूबल पे क्लिक करके आप अपनी रेड आई को ठीक कर सकते हैं। बाकी आपको दूसरा ऑप्शन ये दिख रहा है कि बॉर्डर, अगर आपको कोई बॉर्डर ऐड करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट बॉर्डर आ गई, ब्लैक बॉर्डर आ गई और लेवल आ गया, फिर वाइट कलर की एक लाइन आ गई बॉर्डर जैसी, चिन आ गई पत्ती, ठीक है, पहले मोटी थी अब पत्ती होगी, सर्कल में लानी है तो सर्कल में ला सकते हैं, वर्टिकल में लाना हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लाना हो, वर्टिकल बॉर्डर या फिर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, ये सब इफेक्ट्स के अंदर काफ़ी एड हैं, मतलब कि ऑल इन वन आपकी जो पिक्चर को है ये है काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपको इफेक्ट्स वगैरह लाने होते हैं फेसबुक पर, अगर पिक्चर अपलोड करनी है तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर नाम क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी फाइनल टचअप हो गई, पिक्चर अपलोड बन गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये आपको अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो आपके पास टॉप पे एक दो तीन चार चौथा जो ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा कि आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ओरिजिनल पिक्चर दिखाता है, अगर आप क्लिक हटा देते हैं तो ये आपको आपकी करंट पिक्चर दिखाता है जो आपने अभी बनाई है, ठीक है। बाकी अगर आपको शेयर करनी हो तो ये शेयर के बटन पर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पिक्चर सेव करनी है तो आप सेव टू गैलरी में जाके इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको भी व्हाट्सएप करता हूँ किसी को या फेसबुक पे भेजता हूँ, ठीक है, फेसबुक पे शेयर करना हो तो मैंने फेसबुक में क्लिक कर दिया, अब यहाँ से मुझे फेसबुक का ये आया है कि भाई आपको शेयर करनी है या नहीं। अभी मैं इसको ओनली मी पे रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को किसी को दिखानी नहीं है पिक्चर, सिर्फ शेयर के लिए आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कुछ भी टाइप किया ABC और पोस्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये है कि मेरी पिक्चर जो है अपलोड होने वाली है, अपलोडिंग का जो टाइम लगता है वो अपडेट हो जाएगा तो अपलोड हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी मेरी वीडियोज़ को देख सकें। बाकी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट अपने फ़ोन या डेस्कटॉप लैपटॉप पर हासिल करें। चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।